आपको शादी करनी है? नहीं। क्यों नहीं करनी है? फोबिया। फोबिया है? फोबिया। यार शादी तो नहीं करनी वैसे तो। हेलो दोस्तों, एनबीटी लाइफ में मैं तनप्रीत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक नए फोबिया के वीडियो के साथ में हाजिर होंगी। और आज का जो फोबिया वीडियो है वो है शादी का डर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीबोगरीब डर है। जी हाँ, शादी का डर, जिसे कहते हैं गैमोफोबिया। तो क्या होता है गैमोफोबिया या शादी का डर, ये जानेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले लोगों से जान लेते हैं, स्पेशली मेल्स से, क्या उन्हें शादी से डर लगता है। चलिए, आपकी शादी हो गई है? नहीं। आपको शादी करनी है? नहीं। क्यों नहीं करनी है? फोबिया। फोबिया है? फोबिया। आप जानते हैं शादी के फोबिया को क्या बोलते हैं? नहीं। शादी के फोबिया को वैसे गैमोफोबिया बोलते हैं। okay. लेकिन क्यों नहीं करनी, क्या डर है आपको? बस ऐसे ही। ऐसे ही डर है? ऐसे ही। आपके फ्रेंड इधर हो गए क्या? उनकी शादी हो चुकी है? उनकी होने वाली है। वो तो भाग ही गए। लेकिन क्या डर है, मुझे डर समझाइए। ऐसे ही, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दैट, वर्क लाइफ बैलेंस, दैट्स इट। तो आपको शादी करनी है? यार शादी तो नहीं करनी वैसे तो। क्यों नहीं करनी है? यार शादी के बाद ना ये जो तुम्हारे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। मेरा काम तो वैसे भी कैमरा का है, तो फिर यार मन नहीं कर रहा। मतलब शादी क्या करनी यार शादी। तो बेसिकली शादी करने का मन नहीं है या शादी से डर लगता है? बेसिकली डर भी कह सकते हो। शादी यार बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और मैं अभी, मुझे लगता नहीं कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि दोनों चीज़ें संभाल सकूँ। तो अभी नहीं, आगे जा करके भी नहीं करनी? यार डिमांड्स होती हैं यार उनकी काफ़ी। अब वो डिमांड्स पूरा करना ना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। पापा वगैरह को देखता हूँ, लड़ाई वगैरह होती हैं, उस चीज से भी डर लगता है। फिर उसको भी संभालो, बच्चों को भी संभालो। यार नहीं यार, शादी नहीं। तो आपको पता है शादी के डर को क्या बोलते हैं? शादी के डर को क्या बोलते हैं? गैमोफोबिया। गैमोफोबिया, ये एक नया फोबिया है जो आजकल मार्केट में आया है। अच्छा, तो अब कोई आपसे पूछे कि शादी से डर लगता है तो बोलना हाँ मुझे गैमोफोबिया है। तो दोस्तों, लोगों को क्या लगता है कि उन्हें शादी से डर लगता है या नहीं, ये तो आपने जान लिया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गैमोफोबिया एक्चुअल में होता क्या है। क्या आपको अपने पार्टनर के साथ शादी करने या घर बसाने के विचार से भी डर लगता है? क्या आप अपनी शादी के बारे में सोचकर टेंशन में आ जाते हैं? अगर ऐसा होता है तो आप गैमोफोबिया के शिकार हैं। जी हाँ, ये शादी के प्रति कमिटमेंट से जुड़ा एक डर है, एक फोबिया है। हो सकता है कि आपने इसे अभी तक महसूस ना किया हो, या जो भी कारण हो, बस ये जान लें कि इन चीजों को अगर आप महसूस करते हैं तो आपको गैमोफोबिया हो सकता है। आमतौर पर गैमोफोबिया को कमिटमेंट के डर के रूप में जाना जाता है, लेकिन सिर्फ शादी का डर नहीं है, ये एक मेंटल और आपका फिजिकल लक्षणों का सामना करने के पूरे एक कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, जो पूरा मिलकर गैमोफोबिया बनता है। और जो लोग होते हैं गैमोफोबिया में, इनमें पर्सनल इनसिक्योरिटी या छोड़ने का डर, डिप्रेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, ऐसी सारी चीजें हो सकती है। तो गैमोफोबिया में लक्षण क्या होते हैं, मतलब ये कोई बीमारी है क्या, इसके लक्षण होते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। जैसे कोई भी आपसे बात करे या पूछे तो शादी के बारे में सोचते समय आपको घबराहट या डर महसूस होना, ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। या फिर जब शादी और शादी की किसी भी रिलेटेड बारे में बात हो या सोचने की भी बात आती है तो आप सैड हो जाते हैं। या फिर जब आप शादियों के आसपास होते हैं या शादी के बारे में सोचते हैं तो आपको पसीना आने लगता है, आपकी सांस नहीं आती, आपको जी घबराने लगता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत बढ़ जाती है, तो भी आपको गैमोफोबिया हो सकता है। तो गैमोफोबिया एक नया टाइप का फोबिया है जो आज के फोबिया के लिस्ट में एड अप हो चुका है। और अगर आपको भी शादी से डर लगता है तो हम आपसे कहेंगे कि ऐसा नहीं है, शादी का डर कुछ नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ना कभी किसी ना किसी को लेनी ही पड़ती है। तो इस डर को निकालने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट से बात करें, बड़े लोगों से बात करें और अपनी डर और चिंता को साझा करें। तो यहाँ पर आज मैंने बात की कि गैमोफोबिया क्या होता है, यानी कि शादी का डर क्या होता है, लोगों से भी हमने जाना। तो अब एनबीटी लाइफ को आप सब्सक्राइब करें और आप भी अपने दोस्तों से पूछें कि क्या उन्हें भी गैमोफोबिया है या नहीं, और मुझे कमेंट करके बताएं। तो अब मैं लेती हूँ विदा, फिर हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।